अभी मैंने सपना देखा, क्या देखा वो कुछ समझ में नहीं आया, पर नींद में ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। कोई पूर्वानुमान हुआ? हाँ बापूजी, मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ, पता नहीं क्या, पर कुछ अच्छा होने वाला है। तो बहू, तुझे ऐसा लग रहा है तो जरूर अच्छा होगा। पर क्या अच्छा होने वाला होगा? अरे बहू, जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ। हाँ तो सुभाष भाई, काम कीजिए, दुकान में भेज दीजिए रिमोट, बाका रिपेयर कर देगा। हाँ तो उसको बोलिए कि जब मैं रिमोट में सेल डालता हूँ तो रिमोट चलता है, और जब रिमोट में से सेल निकाल देता हूँ तो रिमोट नहीं चलता है। ये तो क्या है जेठा भाई, रमूज बेगड़ी गम्मत। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस आप जैसे कस्टमरों की वजह से बड़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, त्योहार में कोई डिस्काउंट है कि नहीं? अरे सुभाष भाई, आपके लिए तो बिना त्योहार के भी डिस्काउंट है, बोलिए ना क्या चाहिए, जो चाहिए मिल जाएगा। अच्छा, चॉइस मिलेगा ना? अरे जो चॉइस चाहिए मिल जाएगा, जो साइज चाहिए मिल जाएगा। अच्छा, बड़ी से बड़ी क्या साइज है आपके पास? 72 इंच। क्या बात करते हो जेठा भाई, मोबाइल में 72 इंच का स्क्रीन भी आता है? माल करते हो आप भी। नहीं नहीं, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं LCD LED टीवी की बात कर रहा हूँ। जोक रमूज, यू नो, वन मोर जोक। क्यों? बहुत जोक पे जोक कर रहे हैं आज? आज क्या जोक करने का व्रत रखा है? अरे ये तो मेरा स्वभाव है जेठा भाई, मैं तो सबको हंसाता रहता हूँ जब से मैं प्ले ग्रुप में था तब से। अरे आप कभी मुझे मिलिए तो सही, एक से बढ़कर एक जोक सुनाऊंगा आपको मैं। बेचारे इसके घर वाले इसको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। ओके ठीक है, चलो। अरे हाँ जेठा भाई, मुझे एक मोबाइल खरीदना था। हाँ तो आ जाइए दुकान पे, मिल जाएगा मोबाइल आपको, जो चाहिए वो। मेरे छोटे भाई का क्या है, बर्थडे, तो उसको गिफ्ट करना है। अच्छा, कब है बर्थडे? होली पे। सुभाष भाई, अभी तो दिवाली नहीं आई, होली का तो बहुत टाइम है। एक काम करना, आप होली के 8-10 दिन पहले दुकान आ जाना, जो मॉडल चाहिए आपको मिल जाएगा, तब तक क्या नए नए बढ़िया बढ़िया मॉडल आ जाएंगे, जो पसंद है ले जाना, आपकी दुकान है। मेरी ही दुकान है, तो मेरे नाम पे रजिस्टर करा दीजिए जेठा भाई। वन मोर जोक रमूज, यू नो। ये क्या जेठा भाई, कब से मैं अकेला ही हंस रहा हूँ। अरे आप भी थोड़ा हंसिए, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं हंस ही रहा हूँ, फोन में दिखाई नहीं देता है। अरे लेकिन क्या है कि सुभाष भाई, ये मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत लो है, तो किसी भी वक्त फोन कटू, देखा कट हो गया। हेलो, ये कस्टमर है कि क्या है, पका दिया इसने तो। अरे हाँ, दया का फोन आया था बीच। हाँ बोल बोल दया। अरे टप्पू के पापा, मैं कब से आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन कर रही थी। क्या बात कर रही है दया, क्या खुशखबरी है? सुनिए, एक बहुत बड़ी सुखद घटना होने वाली है। मतलब मैं सो रही थी ना, तब मुझे नींद में मन के अंदर से ही पूर्वानुमान हुआ कि कुछ सुखद घटना होने वाली है। पूर्वानुमान वो क्या होता है? मतलब क्या है, कोई घटना होने वाली हो ना, तो मन में अपने आप ही होने लगता है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आपको कभी ऐसा कुछ पूर्वानुमान नहीं हुआ? हाँ हुआ था ना, पूर्वानुमान हुआ था कि कोई सुखद घटना होने वाली है। ओहो, फिर हुई सुखद घटना? घटना तो हुई, लेकिन अभी उसे सुखद कहे के दुखद वो आज तक मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कौन सी घटना घटी थी? बापू जी ने मेरी तेरे साथ शादी करवा दी। क्या टप्पू के पापा, आजकल आप बहुत मजाक क्या हो गए हो, बताइए ना क्या होगी वो सुखद घटना। आप हमें फॉरेन घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं कि फिर सुंदरी रा की शादी होने वाली है, या फिर अहमदाबाद से मां मुंबई हमें यहाँ मिलने आने वाली है? दया देख, दिवाली सर पे आ रही है, दुकान में बहुत काम है, मुझे सुखद धंधा करना है वो करने दे। अभी तू फोन रख और तू ही सोच क्या सुखद घटना होने वाली हो सकती है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मेरे डॉक्टर। क्या होगी वो सुखद घटना, क्या होगी? ये दया को भी धंधा नहीं है, कुछ ना कुछ नया नया लेकर आती है। अभी क्या तक पूर्वानुमान हुआ है, बताइए ना कौन सी सुखद घटना हो सकती है। अरे भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन दया को पूर्वानुमान हुआ है तो जरूर
कोई ना कोई घटना तो होगी। अभी वो घटना सुखद होगी क्या दुखद, ये देखने वाली बात है। चलो जेठालाल, एक और बड़े हंगामे के लिए तैयार हो जाओ। चंपक चाचा, अरे केम छो चंपक चाचा? अरे आशीष मोदी, कॉमेडी सीरियल के प्रोड्यूसर हैं। चलो क्या, चलो 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 जल्दी चलो। अरे कहाँ चलो, अरे कहाँ लेके चलो, अरे क्या, अरे अरे क्या कर रहा है भाई? चलो भाई जू, ए जू जू क्या कर रहा है? तेरह नवंबर सन ऑफ सरदार, दिवाली पे। हाँ मिस 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 मत करना। कैसे हैं आशीन जी? आशीष भाई कैसे हैं आप? बस क्या हालचाल? बस बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म आ रही है यार सन ऑफ सरदार। थैंक यू सर। क्या बात है, पूरा धूम मचा के रख दिया है। क्या बात है चाचा जी। हाँ? ये बहुत बड़े डायरेक्टर है, सन ऑफ सरदार फिल्म के डायरेक्टर है। आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारी फिल्म जो है बस सबको पसंद है और दिवाली पे लोग देखें और बार बार देखें। हाँ बार बार देखेंगे और सुपर डुपर क्या बोले, सुपर डुपर हिट हो जाएंगे गोकुलधाम सोसाइटी की तरह। हाँ थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ 13 नवंबर को। हेलो हेलो। हाँ नीला, फोन करूँ तो 10 मिनट। हाँ भाई कौन कौन रख, तू पहले मुझे ये बता कि तू मुझे कहाँ पर लेकर आया है? चाचा जी आप शांति रखिए, मैं आपको कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं लेके आया हूँ, मैं आपका जेठा के बरोबर ही हूँ, टेंशन मत लीजिए और चलिए मेरे साथ। अरे क्या चलिए चलिए, पूरे रास्ते में यही बोल रहा है कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आप शांति रखिए। अरे भाई तू बोलना वरना मैं जाता हूँ। तू बताता है कि नहीं? मैं जाता हूँ अभी। मुझे लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। हाँ बता। तू भी है ना आशिक? अरे ये बात तू मुझे सीधी तरह से नहीं बता सकता था। चाचा जी आपको तो मालूम है ना, मैं हर चीज में ड्रामा करता हूँ। हाँ वो तो हम सबको पता ही है कि तू कितना बड़ा ड्रामेबाज है। चलिए अभी चल। अरे चंपक चाचा, आसिफ भाई आइए ना, आइए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे बजे बेटा? बस बिल्कुल ठीक, बैठिए बैठिए बैठिए। वाह, तो मैंने टीवी पे देखा अभी तुम्हारी एक नई फिल्म आ रही है ना सन ऑफ सरदार। वाह वाह, बहुत मजा आता है तुम्हारी फिल्में देखने का। मैं तो राह देख रहा हूँ कि कब तुम्हारी फिल्म रिलीज हो और कब मैं वो जेठिया बहू और टप्पू के साथ तुम्हारी फिल्म देखने जाऊँ। थैंक यू थैंक यू। बहुत मजा आता है तुम्हारी फिल्में देखने का, बहुत मनोरंजन होता है उसमें, बहुत मजा आता है। थैंक यू थैंक यू। और सुनाक्षी बेटा, तुम्हारी भी सब फिल्में देख लिया मैंने, बहुत अच्छा काम करती हो तुम। थैंक यू। और एक बात बताऊं, तुम्हारे पिताजी की भी मैंने सारी फिल्में देखी है। वो तुम्हारे पिताजी जब ऐसा बोलते थे ना कि वो खामोश तो मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती थी। अरे चाचा जी अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। फिर तो आपको सन ऑफ सरदार और भी पसंद आएगा क्योंकि इसमें मैंने बोला है खामोश। अच्छा बताइए कैसे आना है? सर एक प्रॉब्लम हो गया है। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अब सन ऑफ सरदार ऐसा धमाका करेगा कि सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। हेलो, गरबा क्वीन दया बहन गड़ा। हाँ मैं दया बहन चप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे भाई? हूँ सन ऑफ सरदार बोलू छू।
बताऊं जी, अभी सन ऑफ सरदार फिल्म होने वाली है, इसलिए सब ऐसे ही करेंगे। मैं सन ऑफ सरदार हूँ, सन ऑफ सरदार हूँ। देखियो भाई, अभी थोड़े टाइम पहले वो सिंघम फिल्म आई थी ना, सब लोग ऐसे ही करते थे, मैं सिंघम हूँ, सिंघम हूँ। देखियो भाई, ऐसा बोल बच्चे नहीं करने का, वरना गोलमाल हो जाएगा। अरे नहीं भाई, मैं सच में सन ऑफ सरदार बोल रहा हूँ। ये लो फिर से, आप तो सन ऑफ सरदार ऐसे बोल रहे हैं जिससे आप अजय भाई देवगन हो। अरे भाई, हम अजय भाई देवगन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पता है वो हमारे घर पर आए थे, और अजय भाई देवगन के साथ हमारे घर जैसे व्यवहार है, पता है? आप भाई बता दीजिए ना, कौन बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, आपको सरप्राइज पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। आपको पता है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जितने सरप्राइज होती है ना, उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती। और मेरा बेटा टापू है ना, वो तो बात बात में सरप्राइज देता रहता है। वेरी गुड, कल आपने सोची नहीं होगी उतनी बड़ी सरप्राइज होगी। कल सुबह 8:30 बजे अपने परिवार के साथ तैयार होके गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। सच? पर सरप्राइज है क्या? अरे सरप्राइज पहले से कोई बताता है। सॉरी। तो ठीक है, फिर भूलना मत, ठीक 8:30 बजे पहुँच जाना। यूं समझना कि आज तक आपने जितनी सरप्राइज देखी है, ये उन सब सरप्राइजेस का बाप है। पर मैं क्या कहती हूँ कि आप, हेलो हेलो, फोन रख दियो। चलो, दया बहन की तो बोनी हो गई, अब जेठालाल की बारी है। मैं कॉल करती हूँ। नहीं जब टीवी आता है एक-एक। हेलो गडे इलेक्ट्रॉनिक्स। जेठालाल जी कैसे हैं आप, मजे में? मजे में, और अगर मजे में नहीं भी होता तो आपकी मीठी आवाज सुन के अपने आप मजे में आ जाता। वैसे पूछ सकता हूँ ये मीठी आवाज किसकी है? संभाल के आ जेठालाल जी, मैं सन ऑफ सरदार की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। कौन सन ऑफ सरदार? सन ऑफ सरदार को नहीं जानते? बस आप इतना याद रखे कि कल सुबह 8:30 बजे कोई प्रोग्राम मत रखना। क्यों? मीठी आवाज वाली बहन जी, आप कल सुबह मेरे घर पे जलेबी फाफड़ा लेके आने वाले? जी नहीं, मैं फाफड़ा जलेबी नहीं लाने वाली हूँ। और वैसे आप मुझे ये बहन जी कहना बंद करेंगे? आपकी तरह अगर पूरा भारत मुझे बहन जी कहना चालू करे तो मेरा तो करियर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर मुझे सिर्फ मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे रोल्स करने पड़ेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। वो सब छोड़ो, आप बस ये समझ लो कि कल सुबह 8:30 बजे आपको ऐसे तैयार होके आना है कि दया बहन आपको देख के गरबा खेलना चालू करे। चलो बाय, अब मैं जा रही हूँ। बाय। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना, मुझे पूरा अनुमान हुआ है। हाँ? बहुत बड़ी सुखद घटना होने वाली है, अब शायद वो सच होगी। कैसे? क्या है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था कि कल सुबह 8:30 बजे हमें मस्त तैयार होना है। हाँ, वो लड़की ने भी मुझे बोला सुबह 8:30 बजे फर्स्ट क्लास तैयार हो जाना। तो कौन थी ये लड़की? पता नहीं, पर उसने बोला सन ऑफ सरदार की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। ये तो वो सन ऑफ सरदार भाई है ना, उन्होंने खुद मुझे फोन किया था। टप्पू के पापा कौन है ये लोग? सन ऑफ सरदार, तो सरदार तो अपना सोढ़ी है, उसका सन मतलब गोगी ने फोन किया था। नहीं 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 टप्पू के पापा, गोगी कैसे हो सकता है? जो आवाज थी ना फोन पे, वो तो जरा भारी भरकम आवाज थी। और गोगी तो बेचारा अभी छोटा है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? हाँ वो भी है, और ये भी किसी छोटी लड़की का आवाज नहीं था, बड़ी लड़की का आवाज लग रहा था। टप्पू के पापा, ये सन ऑफ सरदार भाई और उनकी गर्लफ्रेंड कौन हो सकता है? क्या पता। तो जाने दो ना, जो भी हो, हमें तो कल सुबह 8:30 बजे मस्त तैयार होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कॉम्पाउंड में पहुंच जाना है। टप्पू के पापा, आप क्या पहनने वाले हैं? दया तू भी एकदम बच्चे जैसी है। अरे भाई, किसी ने तेरे और मेरे साथ मजाक किया है और तूने सच मान लिया? तैयार व्यार नहीं होना है भाई, चल फोन रख। तो मोबाइल। हाँ भाई, आपका क्या है, जरा देखना पड़ेगा ये सब। मेरा लेसन हो गया बाबा। वेरी गुड। सोनू, तो भिड़े अंकल को बाबा मत बोल, पापा बोल, डैडी बोल, फादर बोल, पिताश्री बोल, भिड़े सर बोल, या फिर हमारी तरह भिड़े अंकल बोल। ए गोगोट, गोली, गोगी और टप्पू, अगर सोनू मुझे बाबा बुलाती है, इसमें तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? भिड़े अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये तो टप्पू एडवाइस दे रहा था, इसलिए मैंने अलग अलग नाम के ऑप्शन दे दिए। मैं भी। गोगी, अगर ये टप्पू कल 10 फीट से कूदेगा तो तू भी इसके पीछे पीछे कूद जाएगा। कूद गया था भिड़े अंकल। वो भी 10 फुट से नहीं, 20 फुट से। टप्पू कूदा, उसके पीछे पीछे ये भी कूद गया। हाँ, गुबे को माले, कहाँ कूदा था रे? स्विमिंग पूल में। वो हम समर कैंप में गए थे ना, तब। हाँ। लेकिन मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया कि अगर सोनू मुझे बाबा बुलाती है तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? भीड़ अंकल, सोनू जब आपको बाबा बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि सोनू बहुत बड़े साधु महाराज को बुला रही है। बाबा अजी पट्टी कुटे बड़ा। महाराष्ट्रियन कल्चर में पिताजी को बाबा और माँ को आई बोलते हैं। हाँ सच में ये बाबा शब्द कितना मीठा है ना। हाँ सच्ची। सोनू तू तेरे बाबा को बाबा ही बोल। हाँ कर लो तला, कर लो कलना रस्ता। भिड़ंगल आपके घर में बिल्ली है? नाम क्या उसका? नाम क्या? हाँ बोलो ना, नाम क्या? नाम क्या? नाम क्या? तुम लोगों को भी जानना है। अरे एक कपड़ा सा, एक। तुमने किचन की खिड़की खुली रखी है? अकबर मैंने तुम बाहर रखा है। थाम थाम थाम, कोई बिल्ली नहीं है, ये बाबा के फोन का नया मैसेज टोन है। वाह भीड़ अंकल, कैसा मैसेज टोन रखते हो आप, कमाल है। अरे क्या कमाल है, ये सोनू की शरारत है। ये टप्पू के साथ रहते रहते ये भी मस्ती करने लगी है। आगाओ कुटली। अरे कहाँ है, कहाँ बिल्ली? मोबाइल अंदर है। जजरान प्लीज। सोनू खबरदार, जो आईंदा मेरे मोबाइल में बिल्ली की आवाज रखी तो। हाँ हाथी की रखना। सॉरी आई ऑब्जेक्ट। अहो कितने मैसेजेस आए हैं, किसके इतने मैसेजेस? क्या महती, क्या हुआ? लिखा है कि गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी महोदय, आपको पूरे मान सम्मान के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल ठीक सुबह 8:30 बजे आप पूरे परिवार के साथ सज धज कर तैयार हो जाना, सरप्राइज है। और हाँ इसे मजाक बिल्कुल मत समझना। किसने भेजा है? पता नहीं, कोई अनजान नंबर है। बाकी के मैसेजेस? एक मिनट। सभी में यही मैसेज है। भिड़े को SMS आया है कि सुबह 8:30 बजे तैयार होके आना है। किसने भेजा है ये इनविटेशन? मेरे ख्याल से शिक्षक महोदय के दिमाग में अभी से प्रश्न पत्र एक बन गया होगा कि भाई किसने भेजा है इनविटेशन, क्यों भेजा है, भेजने वाला क्या चाहता है, आखिर 8:30 बजे के इनविटेशन में क्या छिपा हुआ है। अगर आपको भी कोई अनजान SMS आ जाए तो भाई टेंशन तो होती ही है, लेकिन यहाँ अब ये देखना है कि भिड़े तो इस इन्विटेशन के शिकार हो गए, बाकी सोसाइटी वाले इस इन्विटेशन के शिकार किस तरह से बनते हैं। आखिर सन ऑफ सरदार क्यों भेज रहे हैं इन्विटेशन, क्या होने वाला है 8:30 बजे, इस समय पे क्या क्या हंगामे हो सकते हैं। आपके लिए सोचने को बहुत कुछ है कि आखिर क्या होगा 8:30 बजे इस इन्विटेशन में, क्या छिपा हुआ है। हर रहस्य को जानने के लिए आपको कल रात 8:30 बजे देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर 8:30 के इनविटेशन में क्या राज है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।